नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम वोटर आईडी कार्ड को आधार से कैसे लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और अपना मोबाइल साथ में लेकर बैठे। मोबाइल इसलिए क्योंकि उस पर ओटीपी आएगी। यदि वोटर आईडी कार्ड नहीं भी है तो भी आप सर्च कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको वोटर पोर्टल पर आना होगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने से पहले यदि आपने वोटर पोर्टल पर अकाउंट बनाया हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन यदि नहीं बनाया तो पहले आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें। वहां पर आप या तो अपने मेल आईडी से या फिर मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट बना सकते हैं। जो भी आप मेल आईडी या मोबाइल नंबर देंगे उस पर एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को इंटर करके आप वेरीफाई करेंगे तो आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। इस तरह आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। उसके बाद यहाँ लॉगिन से हम लॉगिन कर सकते हैं। अब हम लॉगिन करते हैं। अपना पासवर्ड जो भी आपने सेट किया वो इंटर करें। यहाँ पे जो मैच दी हुई है उसको सॉल्व करके आपको लिखना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है आधार लिंकेज, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की ओर लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अभी पूछ रहा है कि आपके पास वोटर आईडी नंबर है या नहीं है। यदि है तो यस आई हैव वोटर आईडी नंबर पर क्लिक करना है। नहीं है तो आप इस पर क्लिक करें। इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप अपना सर्च कर सकते हैं। मेरे पास है वोटर आईडी नंबर तो मैं यस पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर हमको अपना वोटर आईडी नंबर इंटर करना है। आईडी नंबर इंटर करने के बाद फेस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे नीचे की ओर आ जाएगा कि आपका रिकॉर्ड उनको मिला है या नहीं मिला है। यदि मिल गया है तो फिर हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। जो भी आपकी वोटर आईडी की डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। बीच में आपसे मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए भी पूछेगा तो यहाँ पर आपको अपना नंबर देना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। अब उस नंबर पे आपके पास एक ओटीपी आई होगी। उस ओटीपी को यहाँ पर हमको इंटर करना है। वेरीफाई पर क्लिक करें। अब वो पूछता है आपके सामने फॉर्म 6 भी ओपन होगा। यस आई हैव आधार नंबर। आपके पास आधार नंबर, यदि हम आधार नंबर को लिंक कर रहे हैं तो आपके पास आधार नंबर होगा। यहाँ पर हम यस आई हैव आधार नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। फिर नीचे की ओर जाएंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जनरल डिक्लेरेशन आ जाएगा। यहाँ पर डेट आ जाएगी, प्लेस आपको इंटर करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपके सामने फॉर्म 6 भी ओपन हो जाएगा। नीचे की ओर जाके यदि आपसे कुछ आधार नंबर गलत हो गया हो तो आप यहाँ एडिट फॉर्म पर जाके वापस से उसको एडिट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फॉर्म को सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको सक्सेसफुली सबमिशन का मैसेज आ जाएगा और एक रेफरेंस आईडी भी आएगी। उस रेफरेंस आईडी को आप नोट कर लें। उस रेफरेंस आईडी से आप बाद में स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप यहाँ इस पेज पर आने के बाद यहाँ ट्रैक स्टेटस पर जाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन में जाकर यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपका जो रेफरेंस नंबर था वो यहाँ पर इंटर करना है। उस रेफरेंस नंबर से जैसे ही आप ट्रैक की ओर स्टेटस करेंगे तो आपको सामने स्टेटस आ जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होने के बाद वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। करीब 7 से 15 दिन में यह डिटेल अपडेट हो जाती है।